कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस सरकारों में एक होड़ सी मची रहती है कि कौन कितना ज्यादा भ्रष्टाचार करे, 2G हो, कोयला हो, कॉमनवेल्थ हो, कर्ज माफी घोटाला हो, जमीन के खेल खेले हो, पाताल हो, आकाश हो, जल थल नभ, देश का ऐसा कोई संसाधन नहीं हो जो इनकी लूट से बच पाया हो। इसमें भी नामदार परिवार का नाम सबसे ऊपर है। आपने हाल ही में मीडिया में देखा होगा कि बड़े बड़े फार्म हाउस से भी कैसे घोटाले किए गए। साथियों, इन्होंने देश की सेना को नहीं छोड़ा, हमारे सैनिकों को नहीं छोड़ा, बोफोर्स तोप या फिर हेलीकॉप्टर, हथियार का ऐसा सौदा खोजना मुश्किल हो जाता है जिसमें कांग्रेस द्वारा कमीशन की खबरें ना आती हो। साथियों, आपको याद होगा कि आपका ये चौकीदार हेलीकॉप्टर घोटाले के कुछ दलालों को दुबई से उठा करके ले आया था, याद है ना? याद है ना? इटली के इस मिशेल मामा और दूसरे दलालों से एजेंसियों ने कई हफ्ते पूछताछ की है, जिसके आधार पर कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की गई है। मैं मीडिया में देख रहा था कि हेलीकॉप्टर घोटाले के दलालों ने जिन लोगों को घूस देने की बात कही है उनमें से एक एपी है, एपी, और दूसरा एफएएम है, फेम। इसी चार्जशीट में कहा गया है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और एफएएम का मतलब है फैमिली। अब आप मुझे बताइए, आप तो अहमद पटेल का नाम सुना है ना, जानते हो ना, यहां जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके खासम खास है। अब मुझे बताइए, ये अहमद पटेल भाई किस फैमिली के निकट है, किस फैमिली से निकट है, किस फैमिली से निकट है? आपको पता चल गया हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई, हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई? भाइयों और बहनों, चौकीदार का यही कड़ा रवैया इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक जमाना था जिस परिवार की एयरपोर्ट पर भी कोई तलाशी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, गाड़ी विमान की सीढ़ी तक चली जाती थी और सबके सब लोग सैल्यूट मारते रहते थे, आज वे लोग बेल पर बाहर है, जमानत पर है। जो परिवार खुद को
भारत का भाग्य विधाता था समझता था, वो जेल जाने से बचने के लिए सारी तिकड़े में लगा रहा है। भाइयों और बहनों, करप्शन के साथ साथ कांग्रेस ने देशद्रोहियों और पाकिस्तान को खुश करने का भी अभियान छेड़ रखा है और ये कोर्ट में चार्जशीट आई, बाहें चढ़ा चढ़ा करके सीना तान करके टोने मारते रहते थे, पत्रकारों के बीच जाने की हिम्मत का वादा करते थे। आज मैंने सुना कि पत्रकार उनके पास जाकर के नामदार को हेलीकॉप्टर, कोर्ट में चार्जशीट, उसके लिए सवाल पूछने गए तो ऐसी झापट मार के भाग गए। ये प्रेम का मसीहा जब जमीन पैरों के नीचे खिसक रही है तो पत्रकारों को भी इस प्रकार से धकेल देने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर आप उनके टकोसला पत्रों को पढ़ेंगे, अभी तीन दिन पहले टकोसला पत्र आया है ना, आया है ना, अगर आप उनके डकोसला पत्र को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंकियों, पत्थरबाजों, विभाजनकारी तत्वों, जिसका सामना हमारी सेना कर रही है, अर्धसैनिक बले कर रहे हैं, उनको जो एक विशेष कानूनी व्यवस्था से रक्षा मिली हुई है, जिसके कारण फौज का जवान वहां खड़ा रह पाता है, देश के लिए हिम्मत से कदम उठा पा रहा है, अब वो कह रहे हैं ढकोसला पत्र में कहा है कि अगर वो सरकार में आएंगे तो हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी सेना को जो ये रक्षा कवच मिला है उसको वो हटा लेंगे। इनका इनकी ये बातें आपको मंजूर है? कोई सेना का जवान इसको मंजूर रखेगा? अगर सेना के जवान को आप रक्षा नहीं करोगे तो कौन मां अपने बेटे को देश के लिए मरने के लिए आगे करेगी? क्या होगा देश का? और सिर्फ वोट पाने के लिए ये पाप कर रहे हो आप? अरे लानत है आपकी राजनीति पर। भाइयों बहनों, कोई ऐसा पाप नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? जान दांव पर लगाने वाले हमारे सैनिक फर्जी मुकदमों के कुचक्र में फंसे रहे, ये व्यवस्था करना चाहती है, उनका मॉरल टूट जाए, उनका हौसला खत्म हो जाए, कोई भी उन पर आरोप मर सकता है, कोई भी आतंकवादी कोई भी प्रकार की एफआईआर करवा सकता है, बंदूक की नोक पे करवा सकता है, तब देश के जवानों का क्या होगा? पाकिस्तान से पैसा लेकर जो पत्थरबाजों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों से कांग्रेस खुलेआम कहती है
कि हम उनसे बातचीत करेंगे। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या आप में से कोई ऐसे लोगों का मुंह भी देखना पसंद करेगा क्या? अरे बातचीत की तो बात छोड़ो, कोई उनका मुंह भी देखना पसंद नहीं करेगा जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है। क्या आप में से कोई ऐसे लोगों का मुंह भी देखना पसंद करेगा क्या? अरे बातचीत की तो बात छोड़ो, कोई उनका मुंह भी देखना पसंद नहीं करेगा जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है। तो जो एक विशेष कानूनी व्यवस्था से रक्षा मिली हुई है, जिसके कारण फौज का जवान वहां खड़ा रह पाता है, देश के लिए कोई ऐसा सोचेगा कि ऐसे लोगों को माफ किया जाए? ये कांग्रेस पार्टी 60 साल तक जिसने देश में राज किया, वो कहती है खुलेआम ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करें, अब देशद्रोह का कानून हटा दिया जाएगा। क्या देशद्रोह का कानून हटना चाहिए? पूरी ताकत से जवाब दो, दुनिया को पता चले ये देशद्रोह का कानून हटना चाहिए। देशद्रोहियों पर मुकदमे चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? देशद्रोहियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? देखेगा अगर सेना के जवान को आप रक्षा नहीं करोगे तो कौन मां अपने बेटे को देश के लिए मरने के लिए आगे करेगी? क्या होगा देश का? और सिर्फ वोट पाने के लिए ये पाप कर रहे हो आप? अरे लानत है आपकी राजनीति। भाइयों बहनों, कोई ऐसा पाप नहीं कर सकता, लेकिन से टुकड़े टुकड़े गैंग खुश है, पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग भी खुश है, कुछ लोग यहां ऐसी भाषा बोलते हैं कि पाकिस्तान में लोग तालियां बजाते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में इनके साथी हर रोज कश्मीर को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। वो कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं। भाइयों बहनों, क्या इस देश में दो प्रधानमंत्री होंगे क्या? जम्मू कश्मीर के लिए देश के वीर जवानों ने अपना जान दे दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। हिंदुस्तान के गरीब से गरीब लोगों ने जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए अपना पेट काट करके पैसे दिए हैं। उस जम्मू कश्मीर में
ये भाषा बोली जा रही है कि हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री होंगे, जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा। और ये कौन लोग हैं? कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथी है। कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथी अगर ये भाषा बोलते हैं और कांग्रेस चुप है, फिर तो सजा कांग्रेस को भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं हैरान हूं, क्या कांग्रेस अपने इन साथियों की मदद करने के लिए ही ये देशद्रोह का कानून हटाना चाहती है क्या? भाइयों और बहनों, जब तक देश का बच्चा बच्चा चौकीदार बना रहेगा, तब तक भारत की एक इंच जमीन पर भी आंच नहीं आएगी। भाइयों बहनों, मैं शहीद मोहनलाल रातुरी, शहीद वीरेंद्र सिंह राणा, शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट, शहीद मेजर विभूति डोंडियाल समेत देश के हर शहीद परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग की इस साजिश के सामने ये चौकीदार दीवार बन करके खड़ा है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस देश की सुरक्षा पर ही नहीं, हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग पर प्रहार करने के सपने भी पाल रही है। दो दिन पहले ही ये नामदारों के गुरु, इनके मार्गदर्शक, जो विशेष रूप से उनको जिताने के लिए अमेरिका से आए हैं, आने के बाद उनको पता चल गया है जिताने की बात छोड़ो, जमानत बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। और इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े अहंकार के साथ टीवी के सामने ऐसी बातें की, इससे पता चलता है कि कांग्रेस के दिमाग में कौन सी साजिश चल रही है। आप सब चौंक जाइए, जाग जाइए, इनके गुरु ने जो कहा है इसको लाइट मत लीजिए। उन्होंने कहा है, मिडिल क्लास को धमकाया है, धमकाया। उन्होंने तो यहां कह दिया, मिडिल क्लास स्वार्थी है, मिडिल क्लास लालची है, और कांग्रेस सोचती है कि आप अगर देश के लिए कुछ नहीं करते और सिर्फ मिडिल क्लास खुद का ही भला सोचता है। ये कांग्रेस के मुखिया टीवी के सामने बोल रहे हैं, और इसलिए आप पर, देश के मध्यम वर्ग पर टैक्स बढ़ाना, टैक्स लगाना, ये कोई गुनाह नहीं बनता है। ऐसी सोच से आप सहमत है क्या? ईमानदार मध्यम वर्ग को इस प्रकार से कुचलने की बातें आपको मंजूर है क्या? क्या देश के मध्यम वर्गीय समाज को खत्म करके देश चला सकते हैं क्या आप? अरे भाइयों बहनों, हमारा मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है जो कानून को मानता है, ईमानदारी से सरकार को जो भी देना पड़ता है वो देने में कभी चोरी नहीं करता है। भाइयों और बहनों, आज करीब 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत
मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है तो उसके पीछे ये हमारा ईमानदार करदाता है, हमारा मध्यम वर्ग का परिवार है। देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो वो भी हुआ है ईमानदार करदाताओं के कारण, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों के कारण। 7 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिला है, तो वो भी ये ईमानदार करदाताओं के कारण मिला है, मेरे मध्यम वर्गीय परिवार की उदारता के कारण मिला है। 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को अपना पक्का घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को अपना शौचालय, ये ईमानदार करदाताओं के कारण संभव हुआ है। करोड़ों गरीब परिवारों को सस्ता राशन मिल पाता है, 2 टाइम वो पेट भर खाना खा सकता है, ये इन्हीं ईमानदार करदाताओं के कारण संभव है। 4 धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड हो, बाबा केदार के पवित्र धाम का पुनर्निर्माण हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण हो, ऐसे हर काम इसलिए हो पा रहे हैं कि ईमानदार करदाता देश के खजाने में पैसा डालता है। लेकिन कांग्रेस को यही ईमानदारी तो मुसीबत कर रही है, यही ईमानदारी से उनको नफरत है, जिसका शीर्ष नेतृत्व ही टैक्स छुपाने का आरोपी है, उसको टैक्स देने वाले ईमानदार मध्यम वर्ग के लोग स्वार्थी लगेंगे, और ये भाषा हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग कभी स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार करेंगे क्या आप ऐसी बातें? स्वीकार करेंगे क्या? यह आपका अपमान है कि नहीं है? भाई और बहनों, आपका ये चौकीदार, आपका ये चौकीदार भाजपा और एनडीए की सरकार एक एक ईमानदार करदाता की हृदय पूर्वक आभारी है। इसलिए हमने 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को पूरी तरह जीरो कर दिया। भाई, भाइयों बहनों, अगर जरा से भी चूक हुई तो ये तो छूट तो जाएंगे ही और आप पर बोझ पड़ना भी तय है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की और आपके इस सेवक की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस ने पहाड़ को पलायन से जोड़ा, हम पहाड़ को पर्यटन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब यहां के गेस्ट हाउस और होमस्टे उद्योग को, किराना समेत दूसरी दुकानों को मुद्रा योजना से मिले लाभ की खबर पढ़ता हूं तो मन को एक संतोष होता है। साथियों, 2021 में तो हरिद्वार में महाकुंभ का भी आयोजन होना है। प्रयागराज में बीजेपी के डबल इंजन से किस तरह दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, कैसे लाखों युवा साथियों को रोजगार मिला, ये आपने देखा है। अब इससे भी बेहतर आयोजन हमें दुनिया को 2021 में करके दिखाना है। इसके लिए भी आपका आशीर्वाद जरूरी है। साथियों, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के भी काम आए,
ये इस चौकीदार की हम सबकी प्रतिबद्धता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 5 साल आपने मुझे सेवा करने का काम दिया, आपको संतोष है? आप खुश हैं? मुझे ऐसे ही काम करने चाहिए ना, मैं आपकी इजाजत लेने आया हूं, करने चाहिए ना, हिम्मत के साथ करने चाहिए ना, कड़े से कड़े फैसले लेने चाहिए ना। आपके आशीर्वाद बने रहेंगे, पूरे उत्तराखंड के आशीर्वाद बने रहेंगे, देवभूमि के हर एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद बना रहेगा। तो मेरे साथ बोलिए, मैं कहूंगा मैं भी गांव गांव में, चौक चौक पर, गांव गांव है, शहर शहर है, गली गली में, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने, घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक प्रोफेसर, लेखक पत्रकार, कलाकार भी, किसान कामगार भी, दुकानदार भी, वकील व्यापारी भी, स्टूडेंट्स भी, पूरा देश मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव गांव में, चौक चौक पर, गांव गांव मान, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, अन्य सभी मंत्रिपरिषद के साथी, विधायकगण, उम्मीदवार बंधु, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,